ओके ऑल राइट, टुडे हम लोग स्टार्ट करने जा टॉपिक जिसका नाम है लोकस। लोकस JEE टू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि होता क्या है लोकस की, कुछ तो देखेंगे लोकस की इक्वेशंस क्या होती है। ऐसे हम बाद हम ये यदि कोई इक्वेशन आपको कहा है तो वो इस इक्वेशन से हम ये जानने का कोशिश तो कौन सा क्वाड्रेटिक फिगर बना रहा है, लाइक सर्कल बना रहा है कि पैराबोला बना रहा है, हाइपरबोला या एलिप्स बना रहा है, व्हाटएवर वी विल सी। चलिए चालू करते हैं आज का टॉपिक। जिस तो बच्चे लोकस आपको बताया जा रहा है कि लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाइड द गिवन क्वाड्रेटिक कंडीशन। लोकस क्या है? लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूं, एवरी पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन लोकस। लोकस का हर एक पॉइंट क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं। लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय कंडीशनल, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन कन्वर्स टू एंड द लास्ट पॉइंट, द अल्जेब्रिक रिलेशन एक्स एंड वाई ऑब्टेन बाई द यूज ज्योमेट्रिक कंडीशन कॉल्ड इक्वेशन फोकस। मीन्स जो भी हमारे पास अल्जेब्रिक कंडीशन बने एक्स एंड वाई के, ठीक है, या जो भी हमारा एक्स एंड के साथ रिलेशन बनेगा, ठीक है, जो भी ज्योमेट्रिक क्या आएगा, जो भी हमारा अलजेब्रिक कंडीशन आएगा वो हमारा क्या आप, ठीक है बच्चे। चलते एक एग्जांपल से समझते हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग, सपोज कि ये कोई एक सर्कल है, और क्या आप इसको ऐसे समझ कि सपोज ये कोई एक मूविंग पॉइंट है, तो हम एच कॉमा के कह रहे हैं ये कोई मूव कर, और ये ऐसा मूव कर रहा है या एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, ये हमेशा फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यदि यदि हम सारे पॉइंट को क्या कर दें, मर्ज कर देते हैं, कौन सा ज्योमेट्रिक फिगर बन जाता है? ये हमारा बन जाता है सर्कल। अंडरस्टैंड? तो बच्चों आपको जैसा कि पता है सर्कल का डिफिनेशन भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि द सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट इज अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फॉर मूव। अंडरस्टैंड? एंड दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज व्हाट? द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये मूविंग पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। अंडरस्टूड? तो चलते हैं हम लोकस की कुछ प्रॉब्लम को करने के लिए। प्रॉब्लम को करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोकस का इक्वेशन बनाते कैसे। तो जब भी आपको लोकस का इक्वेशन बनाना पड़ता है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले एक वेरिएबल पॉइंट आपको मान के चलना होगा जो कि h पर k है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ज्योमेट्रिक कंडीशन है उस कंडीशन में हम लोग h और k के बीच का एक रिलेशन निकालने का कोशिश। विल ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड k यूजिंग दैट गिवन ज्योमेट्री। एंड थर्ड वी हैव टू डू व्हाट, कि हम x को h से रिप्लेस कर देंगे, या हम इसको यू कहें h को x से रिप्लेस कर दें एंड k को हम y से रिप्लेस कर, तो हमारा न्यू x y में जो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा x y में, वो हमारा ऐसा ही क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है, ठीक है। तो लोकस कहलाता है क्या इसका मतलब कि वो हमारा इक्वेशन ऑफ द लोकस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लोकस। चलते हैं देखते हैं इक्वेशन को अप्लाई करते हैं क्या अपने लोकस डालने आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन लिखा गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सो दैट द ज्वाइन ऑफ -5 1 -2 एंड आर राइट एंगल
मतलब कि इस सवाल में आपको बताना है कि उस पॉइंट का लोकस बताओ, मतलब वो पॉइंट हमारा किस तरीके से, पॉइंट का लोकस बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि हम इक्वेशन यहाँ पे निकाल कर देखेंगे वो क्या हमारा बना रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मैंने आपको पता करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे यदि ये इक्वेशन मिला है वो कौन सा हमारा ज्योमेट्रिक फिगर को बना रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस सवाल को पहले सॉल्व किया जाए और इसका निकालने का कोशिश किया जाए। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट सो दैट द जॉइन ऑफ फाइव वन सब्सटेंड अ राइट एंगल एट द मूविंग पॉइंट। अब सपोज कर लो बच्चों कि अब आपको ये और आपको सॉल्व, तो मैंने आपको जस्ट बताया आपके पास ये पॉइंट है, सबसे पहले क्या करना है, जिस पॉइंट का लोकस आपको निकालना है पॉइंट को वो मान लेना है कि इज द पॉइंट पी एच कॉमा के, इसका हमको लोकस बताना, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको मैंने बताया कि ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एच एंड के, तो यहां पे इस सवाल को देखें, ये कहते हैं कि द पॉइंट्स जॉइन माइनस फाइव वन, सपोज करो देयर इज यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है फाइव कॉमा वन है, ओके, और एक ये दूसरा जो पॉइंट है बी क्या हुआ है थ्री कॉमा टू, ये दोनों पॉइंट मिलकर क्या करते हैं कि इस मूविंग पॉइंट पे राइट एंगल क्रिएट करते हैं, ये आपका राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये राइट एंगल बना। तो फाइंड द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट, इस मूविंग पॉइंट का लोकस हमने, ठीक है। तो बच्चे का लोकस पता करने के लिए जो भी आपके पास अप्लाई करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि एच और रिलेशन एड्रेस हो, ओके। देन हम लोग थर्ड पॉइंट पे आएंगे, एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना बच्चे। तो नाउ हियर यू कैन सी कि दिस EP and P both are the perpendicular, हम अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो बच्चे आप देख सकते हो कि यहाँ पे M1 into M2, क्योंकि यहाँ पे PA और PB perpendicular, और जैसा कि बच्चे आपको मालूम है कि जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है के स्लोप का फर्क, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता है दो पॉइंट यदि गिवन है तो वहां पे स्लोप क्या होगा उस लाइन का या लाइन का। तो स्लोप क्या होता है बच्चे, स्लोप होता है हमारा दो पॉइंट से ज्वाइन करके y1 y2 y x2 minus x1। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यदि मैं p m1 कहूं और इस के स्लोप को M2 कहो तो इसके स्लोप को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यदि मैं स्लोप ऑफ PB की बात करूं, नाउ इट इज यू कैन सी a माइनस टू अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस थ्री इन टू एम टू स्लोप ऑफ दिस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, यस वाई टू माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन h minus minus plus 5, you can see equals to minus 1. Understand? Now what I will do, I will do the cross multiply like this, k minus 2 k minus 1 minus of h minus 3 plus 5. Now let us do what here multiply. Now here you can see this is the k square minus k minus 2k, that is minus 3 plus 2 plus 2, here you can see h square plus 5h minus 3h, that is a plus 2h minus 15, okay. Now what I will do, k square minus 3h plus 2 equals to, we can see here minus h square minus 2 plus 15. So we can send this all the terms in left hand side
And now finally, I will get what term? You can see if we have got the relation between A. So I will do what? I will send this. Let us see. Now here, h square plus 2h, okay, minus 15h plus k square already hai yahan pe, minus 3k and plus 2. तो इस तरीके से जाकर हम h को रिप्लेस कर देंगे. यस, x से दैट इज x स्क्वायर, k को रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर. ओके, नाउ हियर सॉरी दिस इज आवर 15, अंडरस्टैंड. नाउ हियर वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 13. ये आपका क्या हो जाएगा? Required equation of the locus हो जाएगा. ठीक है बच्चे, तो आप देख सकते हो ये कितना इजी है. आप चाहे तो आप अपने तरीके से यहाँ पे जो जा सकते हैं. वो ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या होगा बच्चे? हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ए बी को ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पे हम पाइथागोरस का भी रूल लगा सकते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी, इस कंडीशन कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी. आप देख सकते हो कि ए बी की जो वैल्यू होगा एंड स्क्वायर दैट इज नाउ बी माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज अ प्लस 8 64, 2 माइनस 1 दैट इज अ 1 प्लस 1 64 प्लस 1 नाउ इट इज अ 65. क्लियरली वी विल फाइंड द पी ए स्क्वायर. व्हाट इज द स्क्वायर? नाउ इट विल बी एच प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर एंड द बी स्क्वायर हियर h minus 3 whole square and plus k minus 2 whole square. Okay, now आप देख सकते हो कि यहाँ पे h is plus 5 का whole square है, यहाँ से h square और ये h क्या हो जाएगा अपना? ये अपना हो जाएगा 2h square, ठीक है, and plus this k square और यहाँ का k होगा 2k square. So I will add here 2k square. Okay, now here you can see this is your 10h and minus 6h. So 10h minus that is your now what I say 10h minus 6h that is your 4h. Okay, this is your 4h. Okay, fine. Aur ab dekhiye minus 2k and this is your minus 4k that is a minus 6h. So I got here minus 6 minus 6k. And then 25 plus 1, 26 plus 9 plus 4, 25 plus 1 plus 9, that is a 10 plus 4, 14. We are getting here plus 14 and in left hand side that is a 65. If you have a 65, okay. So, is there like a jagger? Yeah, the equation are 2h square plus k square plus 4h, और ये हो गया आपका 39 प्लस 39 माइनस 65 जीरो एंड नाउ इट इज व्हाट आई विल से दिस इज माइनस 26 15 ऑन माइनस 6 दैट इज अ 6 नाउ व्हाट आई विल से 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल 26 इक्वल टू व्हाट जीरो एंड नाउ इट इज अ 2 स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4h प्लस 6. तो यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे? 2 से ऐड कर देंगे और h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस करेंगे तो हमारा इक्वल आ जाएगा. तो बच्चे ये बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3y माइनस 13 और यही आपका क्या है? रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस होगा. तो आई होप कि बच्चे सवाल आपको समझ आ चुका है. क्या तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया. यदि आपको लोकस का इक्वेशन पता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? एक वेरिएबल पॉइंट को एज्यूम करके चलना, ठीक है ना. और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन है उस ज्योमेट्रिक कंडीशन
को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम एच और के में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, और देन एच को x से रिप्लेस कर देंगे और के देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा x से भाई आपका लोकस होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पॉइंट्स ए जीरो एंड माइनस ए जीरो आर ए आर इज द वेरिएबल पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस सच दैट एंगल एल पी क्यू एंड एंगल आर पी क्यू एंगल आर क्यू दैट इज आर क्यू is a positive constant to alpha. The alpha, you can say A if you are saying then okay. Find the locus of the तो इस सवाल में क्या बच्चे? इस सवाल को फिर से आप ध्यान से देखिए कि दो पॉइंट है A जीरो और अपने को एक R जो है वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट को अपने को क्या ज़ूम करना पड़ेगा? H कॉम कॉम को लोकस, ठीक है ना। एंड ये जो वेरिएबल पॉइंट है वो एबव द एक्स है, दिस वेरिएबल पॉइंट इज द एबव द एक्स एक्सिस, फाइन। तो जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। सपोज इट सपोज अपना ए जीरो माइनस ए जीरो दो पॉइंट है, चलो एक पॉइंट आपने माना है माइनस ए जीरो, सपोज कर लेते हैं ये पहला पॉइंट है माइनस ए जीरो और एक दूसरा पॉइंट है आपका ए कॉमा जीरो, ओके। और यहाँ पे आर जो और इनका पॉइंट का नाम भी लिखा है, दिस इज योर बी योर क्यू एंड आर इज अ वेरिएबल पॉइंट एबव द एबव द, यहाँ पर एक R एक वेरिएबल पॉइंट है, चलो हमने मान लिया कि जो R जो वेरिएबल पॉइंट है वो इस और अभी आपको बोलता है कि एंगल आर पी क्यू, ओके, इसका मतलब ये आपका एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू माइनस एंगल आर क्यू मीन्स ये वाली एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव कांस्टेंट अल्फा है, डिफरेंस कितना बच्चा टू अल्फा दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते ये वाली एंगल थीटा है और ये आपका और इनका डिफरेंस दे रखा है टर्म माइनस का, टर्म माइनस का इक्वल, ये आपका एक कंडीशन, ओके, देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट आर। चलो आइए समझते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले रखा है, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो भी गिवन कंडीशंस है कंडीशन पे हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे एंड हम लोग एच और के में रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चे। आप देख सकते हो ये जो आर पॉइंट है एच कॉमा के, ये क्या इंडिकेट करता है कि यह डिस्टेंस जो है एच डिस्टेंस चला है एक्स एक्सिस और के डिस्टेंस वाई एक्सिस, उसी तरीके से ये जो पी पॉइंट है ये बताना चाहता है कि एक्स एक्सिस और माइनस ए ये आपका डिस्टेंस कितना है ए है। तो बच्चे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे मैंने इसका टी रख लेते हैं पॉइंट टी, तो आप देख सकते हो आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आर क्यू आर टी क्यू और ये जो ट्रायंगल है आर टी क्यू, ये आपका एक राइट एंगल क्रिएट करता है, राइट एंगल ट्रायंगल सेट, ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टैन बीटा जो होगा, यदि मैं यहाँ पे टैन बीटा निकालने का प्रयास करूँ तो परपेंडिकुलर और बेस अब आप ये कहोगे कि सर जो आखिर आप tan थीटा ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो गिवन है ये बेस है और परपेंडिकुलर है, तो इसी गिवन कंडीशन
वर्क करना। तो देयरफॉर हम क्या कर रहे हैं कि टैन बीटा के अपॉन अब देखो इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल हम बात करना चाहते हैं, ट्रायंगल आर टी पी। व्हाट इज द ट्रायंगल आर टी पी? सर ये तो यहां से आप निकाल पाओगे कि टैन का इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर के अपॉन बेस, तो दिस बेस तो टीपी बेस है सर, टीपी कितना डिस्टेंस, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस ए बता रहा है, ये एच है तो आएगा ए माइनस बच्चों। तो फाइनली आई गॉट के अपॉन ए माइनस एच। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आखिर आप ये दो tan थीटा और tan क्यों निकाल, वो इसलिए मैंने निकाला क्योंकि आपके पास थीटा माइनस है ना। तो हम करने वाले क्या है कि यहां से हम सिंस वी हैव थीटा माइनस बीटा इक्वल टू टू अल्फा, आप जरा सा ध्यान दो कि थीटा माइनस बीटा इक्वल टू टू है, और यदि मैं दोनों साइड tan ले देता हूं तो ये बन जाएगा tan थीटा माइनस बीटा इक्वल टू tan 2 अल्फा। और बच्चों यहां पे आप देख पा रहे हो कि 2 अल्फा जो है एक कांस्टेंट है, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि अल्फा इज अ पॉजिटिव राइट। तो यहां पे tan a माइनस b को हम अप्लाई करते हैं, तो tan a माइनस b फार्मूला वी कैन राइट tan थीटा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इन tan b दैट इज इक्वल्स टू tan 2 अल्फा, दिस विल बी द tan 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, देखो क्या हो रहा है k अपॉन a माइनस h माइनस tan बीटा दैट इज अ k अपॉन a प्लस h अपॉन होल अपॉन 1 प्लस tan थीटा k अपॉन a माइनस h और k अपॉन a प्लस h इक्वल्स टू tan 2 अल्फा। तो बच्चों आप देख सकते हो कि आपके पास ये रिलेशन h और k में रिलेशन, ठीक है इसको और हम सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहां से h और k को हम रिप्लेस कर देंगे x और y। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो सो फाइनली आई विल राइट y अपॉन a माइनस x माइनस y अपॉन a प्लस x होल अपॉन, आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस y अपॉन a स्क्वायर माइनस x करिए k स्क्वायर दैट इज अ k इनटू k k स्क्वायर एंड k को मैंने रिप्लेस कर दिया y से, y स्क्वायर हो गया ठीक ना। और ये आपका y अपॉन a माइनस h माइनस y अपॉन a प्लस, ठीक है। तो फाइनली इज इक्वल टू गिवन है tan 2 अल्फा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां से आप y को कॉमन ले सकते हो, यहां से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो फाइनली आई वांट टू राइट व्हाट, तो y कॉमन a प्लस x माइनस a प्लस x यहां पे अपॉन a माइनस x टू a प्लस x होल अपॉन, याद रखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ठीक है अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल tan 2 एंड देन दिस डिनोमिनेटर विल बी कैंसिल बाय दिस डिनोमिनेटर एंड इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और यही आपका क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो फाइनली हम आंसर देना चाहते हैं दिस a a कैंसिल 2xy दैट इज 2xy अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan 2 अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ इट इज 2xy इक्वल टू tan 2 अल्फा इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y, ये आपका रिक्वायर्ड आप आंसर कर सकते हो। ठीक है आप चाहे अल्फा को चैट भेज दें और हम दे पाएंगे cot
2 alpha into 2xy, which is equals to a square minus x y square. सभी टर्म को लेफ्ट साइड भेजते हुए x square minus y square, okay, plus 2xy cot 2 alpha minus a word required. So I think is understood. Please note down. ये क्या आप इसको नोट करना चाहते हो? ओके तो बच्चे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा. चलते हम एक और क्वेश्चन की तरफ. देखते हैं हमारा अपना जो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 1/2 ऑफ इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो फिर से हम क्या करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अपने को किसी पॉइंट का लोकस पता है, ठीक है. सपोज कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट आपका P, इसका हमको लोकस पता है. तो कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉइंट सो दैट इट्स या सच दैट इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज ऑलवेज one half means 1/2 of its distance from the origin. Okay, origin, this is our origin. Can you tell me what is the distance from the origin? Yes, this is now h r plus a. अब आप देख सकते हो कि अपने पॉइंट गिवन कंडीशन पे आते हैं. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ एक्स इज 1/2, इज दिस के इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस. इज ये हाफ है किसके, एच स्क्वायर प्लस के. तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये हाफ है, 1/2 है इसके द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ये जो ओरिजिन है इस क्या ये हाफ है. तो बच्चे ये इक्वल कब होगा, जब हम इसको 1/2 कर, ठीक है. तो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स लोकस. तो आइए आप देख सकते हो यहाँ पे रिलेशन तो बन चुका है, तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड. तो नाउ इट इज द 4k स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. और फाइनली वी गॉट पी वाई स्क्वायर इक्वल, ने क्या किया तो रिप्लेस कर दिया यहाँ पे के को वाई से और एक्स सॉरी एच को एक्स से एंड के को वाई से, अपन जो हमारा रिक्वायर्ड लेसन है. तो आई होप कि बच्चे आपको ये समझ है. चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ. आपका एक अगला जो क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा है. A rod of length slides with the ends point with two perpendicular lines. Find the locus of the meeting. एक rod है, और ये rod क्या कर रहा है? It slides with its end two point the lines. मतलब इसका जो दो end point है वो कहाँ पे है? Suppose कर लेंगे इसका जो दो end point है वो आपका x axis and y axis. ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट. आपको इसके मिड पॉइंट का लोकस पता करना है. तो सपोज कर लो जो मिड पॉइंट है ये आपका एच है. तो जरा ध्यान से देखते हैं बच्चे, यदि ये रॉड है तो ये यहाँ पर क्या डिस्टेंस बनाएगा. मान लेते हैं ये आपका ए जीरो कट कर रहा है और ये जो डिस्टेंस कट कर रहा है ये बी. नाउ बच्चे आपको पता है कि ये डिस्टेंस ए है एंड दिस इज योर डिस्टेंस, और अपने को इस मिड पॉइंट का लोकस पता है. मिड पॉइंट का लोकस, तो दिस इज आवर मिड पॉइंट. कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द एच,
यदि आप h निकालोगे तो a प्लस जीरो अपॉन में टू हो, तो हम लिखेंगे इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है h इक्वल्स टू बाय टू एंड k इक्वल्स टू इज आवर मिड पॉइंट राइट। तो व्हाट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा यही आपको पता करना है ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चे, आइए देखते हैं इस सवाल को। तो इसका सोल्यूशन कितना आसान हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि h a by 2 equals to b by 2, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि h equals to b by 2 है तो a की जो वैल्यू आ रहा है ये 2 आ रहा है एंड b की जो वैल्यू आ रही है ये आपका वैल्यू है कितना 2 के आ रहा है। ओके मींस अपने को a की जो वैल्यू मिल चुकी है ये 2 है और ये जो b वैल्यू है ये 2 है। और स्लाइड का लेंथ कितना लिखा हुआ है, रोड ऑफ लेंथ यहां पे ये जो हुआ l ये स्लाइड की जो लिसन द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इज लेंथ सर रॉड की जो लेंथ है वो l लिखा हुआ है ठीक थोड़ा सा ये बोल हां। तो आप देख पा रहे होगे कि हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है l स्क्वायर होता है, तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि a का जो स्क्वायर होगा तो 4h स्क्वायर एंड जो b का स्क्वायर होगा ये 4a स्क्वायर आएगा l स्क्वायर, तो ये आपका क्या बनेगा रिक्वायर्ड प्लस बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, नोट डाउन इफ यू वांट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, a 2 माइनस 3 एंड b माइनस 2, व्हाट इज ट्रायंगल ए, इफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन लाइन x + by 1 देन द लोकस ऑफ वर्टेक्स, मतलब कहना ये चाहता है कि एक ट्रायंगल है जिसका दो वर्टेक्स दिए, एक वर्टेक्स a 2, माइनस 3 एंड वर्टेक्स b कितना बच्चा, वर्टेक्स b लिखा है माइनस 2, 3 और जो c वर्टेक्स है इसका लोकस अपने ये लोकस अपने ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका लोकस कैसे, तो इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल मूव्स, का जो सेंट्रोइड है ये मूव करता है, कहाँ मूव करता है बच्चा, कि किसी लाइन पे मूव करता है और वो लाइन कैसा है, मान लेते ये आपका लाइन है और इसी लाइन पे कहीं सेंट्रोइड जो है वो मूव करता है, नॉट मूव करता है यस द मूविंग ऑन द लाइन 2 + 3 एंड द लोकस ऑफ द वर्टेक्स। तो क्या करना है, तो बच्चे हम करेंगे क्या कि इसका सेंट्रोइड निकालने का कोशिश करें ठीक है। तो कैन वी फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज नाउ x 2 माइनस 2 आप देख पा रहे होंगे प्लस h by 3 That is h by 3 and similarly यदि मैं y की बात करूं तो माइनस 3 1 प्लस y 1 प्लस y 2 प्लस y 3 by 3 क्योंकि आपका k by 3 ठीक है ना। तो ये x और y की वैल्यू आ गई h by 3 और k by 3, हम क्या करेंगे कि इस h by 3 को उठा का जो इक्वेशन गिवन दैट इज अ 2 + 3 1, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो सेंट्रोइड है लाइन को क्या कर रहा है, तो लाइन के क्वेश्चन में हम x की जगह पे क्या रख सकते हैं दैट इज h by 3 और इस y के जगह पे क्या रख देंगे y, यस y इज a by 3 एंड which is equals to 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दिस इज द वैल्यू 2h + 3k = 3 कमिंग, तो फाइनल जो आंसर होगा 2x + 3y। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका है, आप कर सकते हैं। चलते हैं हम एक दूसरे की तरफ, कुछ ऐसा है कि AB इज द वेरिएबल लाइन स्लाइडिंग बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच अ वे A लाइज ऑन द x एक्सिस एंड B लाइज y एक्सिस,
If b is the variable point on a, such that equals to b, right? And a plus b equals to a, b given hai, then find the equation. तो आइए समझते हैं, कहते हैं कि ये ए बी जो है केवल लाइन डिवाइड करता है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्स. सपोज कर लो कि ये आपका एक लाइन है ए बी, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाई करता है. अब ये कह रहा है कि ये ऐसा लाई करता है कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, ए? एंड बी जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस. इफ पी इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन, ओके, अपने को एक वेरिएबल पॉइंट पी खुलता है जो कि एच कॉमा के, ये इक्वल्स टू बी गिवन है, ये इक्वल्स टू बी, अच्छा ये इक्वल्स टू बी, ओके, एंड पी पी ए गिवन है, ये पी पी, देन फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लोकस पी, अपने को इस पी का लोकस पता क्या जी. तो हम करते क्या है, लोकस को पता करने के एच और के में कंडीशन हम फाइंड करते हैं जो भी हमारा गिवन जो. तो बच्चे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पी जो है वो एच कॉमा दैट इज एक्स एक्सिस एच डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस वाई डिस्टेंस. इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसको हमने R और यहाँ पे मैंने ट्रायंगल S रखा. अब देख सकते हो बच्चे कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ओके, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. क्यों, माइक्रोस्कोप कर पाओगे, ओके, या आप देख सकते हो कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे. क्यों, क्योंकि तो नाउ आप देख सकते हो कि इन ट्रायंगल हम लेना चाहते हैं ट्रायंगल पी एस ए या पी ए एस, ये पी एस, और यहां से आपके पास क्या गिवन है बच्चे, अब देखिए ए गिवन है और ये एच गिवन है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते, ठीक है. तो आप देख पा रहे होगे कि यहां पे एच है ये पी है, ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा रेशियो निकाल सकते हो, कि थीटा है ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज, तो आई विल टेक क्योंकि अपने को मालूम है कि साइन थीटा की जो वैल्यू रहता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AB. उसी तरीके से हम ट्रायंगल लेना चाहते हैं एंड ट्रायंगल BRP, BRP द BRP, कैन यू सी This is also looking a right angle, triangle. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो RP, यहाँ पे यदि हम cos theta लेके चले, cos theta, तो this is the base h by hypotenuse, h by a, ये हम. अब जैसा कि बच्चे आपने trigonometry में solve किया होगा कि यहाँ पे theta sin theta और cos theta की value गिवन है, ठीक है, तो क्या हम इस थीटा को रिमूव कर सकते हैं, क्या हम साइन थीटा कॉस थीटा, आपका आंसर होगा यस सर, हाउ. तो मैं क्या कर रहा हूं कि आई एम स्क्वायरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग, सो नाउ इट इज द k स्क्वायर / b स्क्वायर h / a स्क्वायर, दिस इज द h स्क्वायर / a स्क्वायर k स्क्वायर / b स्क्वायर एंड व्हिच इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर + cos स्क्वायर, वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है. तो इस तरीके से इस h को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल, और यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगा, ठीक है. अब जब इसको ध्यान से देखते हो तो एक यह आपका चक्कर ही पड़ना है जिसका नाम है, और ये आपका स्ट्रक्चर इक्वेशन ऑफ ना बच्चे. तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया. देखते हैं अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज अपर वेरिएबल ट्रायंगल आर B5, 5 cos theta, 5 sin theta, okay? And 5 sin theta and minus 5 cos theta. Here, theta belongs to, this is your theta, belongs to in the locus of this. Means, apne ko pata karna hai. Okay? Or,
तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे एल्टीट्यूड को करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां ये जो ट्रायंगल लिखा है ए बी और ए का जो वर्टेक्स है वो 3 एंड बी का जो वर्टेक्स है ये 5 cos थीटा 5 sin थीटा गिवन है, और ये जो का जो कोऑर्डिनेट है ये है आपका 5 sin थीटा एंड माइनस 5 cos थीटा, और अपने को लोकस पता करना है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को हमने ओ से या एच से या के से रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो इस ऑर्थो सेंटर का लोकस आपको पता करना है, ये ऑर्थो सेंटर का लोकस, तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे अल्टीट्यूड एक दूसरे को ओपी मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालें, तो आप जब ध्यान से देखते हो, यदि मैं सर्कम सेंटर की बात करूं, सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर क्या होता है, इस सर्कम सेंटर सी सी टू बी ऐसे सीडस, यहां पे सर्कम जो रेडियस है वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक। तो सी ए जो लेंथ आ रहा है, ये सी ए लेंथ आ रहा है कितना, अब देखो रूट ओवर 3 square + 4। यदि मैं यहां पे C को 0,0 लेके चलूं, तो ये जो रेडियस आएगा CA वो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं CB लेके चलूं, C की लेंथ कितना आ रहा है, रूट ओवर 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 स्क्वायर थीटा, दैट इज अ 25 cos स्क्वायर थीटा, 25 और विल टेक आउटसाइड ऑफ द रूट, साइड द रूट यू विल गेट ओनली cos प्लस sin, बट दिस इज 1। तो फाइनली वी विल से कि 5 इन one that is OC the C sorry not OC that is the CB circumcenter, okay, means I'm taking the circumcenter, we can take 0,0 so that CA equals to 5 and CB equals to 5 and CS will also to 5, that's it। ab yahan pe dekho ki sir aapne dekha ki ye jo circum radius jo aa raha hai, circum radius ये आपस में इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो C हो गया वो 0,0, और आपको जैसा कि पता है कि ये जो सर्कम सेंटर, ये जो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड आपके ऑर्थो सेंटर और सेंटर को 2:1 के लिए, तो क्या हम इस सेंट्रोइड को पता कर सकते हैं, ये तो आपका एच कॉमा के हमने मान के चला, मान के चलते जिसका हमको ऑर्थो सेंटर का क्या निकालना है, हमको लोकस निकालना, तो ये आपका एच कॉमा के है, और सेंट्रोइड आपने अभी देखा कि सॉरी सर्कम सेंटर आपने देखा कि 0,0, तो क्या हम यहां से का सेंट्रोइड पता कर सकते, का जो सेंट्रोइड आएगा कितना आएगा बच्चे, 2 × 0 = 0 and 1 × h/3, that is centroid h/3 or similarly by 3। तो अपने को centroid मिल चुका है, okay? यानी कि इस सवाल में हमने ऑर्थो सेंटर निकालना था, ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना था, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सर्कम सेंटर देखने का प्रयास किया, तो मैंने देखा कि सर्कम सेंटर क्यों, क्योंकि इसका सर्कम रेडियस आपस, दूसरी बात हमने ये देखा कि इसका जो सेंट्रोइड है वो भी हमारा h/3, तो जब सेंट्रोइड आपका h/3 k/3, तो हम देखना चाहते हैं सेंट्रोइड होता कितना है, तो बच्चे आपको मालूम है सेंट्रोइड की जो वैल्यू होती है वो होता है कितना, 3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा होल बाय 3 एंड बीच इज इक्वल टू व्हाट h/3, और यहां से ये 3 से 3 कैंसिल हो,
और अपने को मिल जाएगा 5 cos theta plus 5 sin theta दैट इज इक्वल टू h माइनस 3। आप इसको बंद कह सकते हैं बच्चे। और इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम इसका y कोऑर्डिनेट लेके चले तो 4 plus 5 sin theta 4 प्लस 5 sin theta माइनस 5 cos theta होल बाय 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये बाय 3 हो जाएगा। हम इसका सेंट्रोइड और जो ऑलरेडी आपके पास डीसीयू से सेंट्रोइड मिला था कितना, ये बाय h बाय 3 एंड लिसन। सो नाउ फाइनली यहां 3 कैंसिल हो रहा है, आई गॉट 5 sin theta माइनस 5 cos theta इक्वल टू व्हाट, के माइनस 4। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट को, ये आपका पहला जो और यहाँ पे ये आपका दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में आपके पास क्या है बच्चे, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे साइन और कॉस लिखा हुआ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे साइन और कॉस लिखा हुआ। तो जब साइन और कॉस लिखा हुआ है हम क्या कर पाएंगे, इक्वेशन वन का स्क्वायर एंड प्लस इक्वेशन टू का स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो। जैसे आप इक्वेशन वन का स्क्वायर करते हो टू और ऐड करते हो तो आपका साइन थीटा और चलते हैं स्क्वायर करने। लेफ्ट साइड में आप देखोगे 5 cos theta plus 25 कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर, अच्छा 2 into 5 cos theta into 5 a square plus b square 5 square 25 cos square theta 25 plus 2 into 5 cos theta into 5। और यहां से आप देख सकते हो कि 25 sin square theta 25 cos square theta minus 5 sin theta into 5 cos theta। और इस तरीके से 25 plus 25 क्या आएगा, आपका 50 आ जाएगा। एंड विच इज इक्वल टू हम लिखेंगे h को x x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड y को लिखेंगे y माइनस होल स्क्वायर। और इसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे और हम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि लोकस निकालना बहुत और आप इसको कर भी पा रहे हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, इसका जो अगला क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा है कि इफ a cos a sin a and b sin a minus cos a, 1 2 are the faces of the triangle abc, then a varies, find the locus of the centroid। तो बच्चे मैं आपको एक आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करें, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपको निकालना कैसे है। तो सबसे पहले आपके पास ट्रायंगल एबीसी लिखा हुआ है, ट्रायंगल एबीसी वर्टेक्स कॉस ए एंड साइन ए एंड बी आपका गिवन है, दैट इज अ साइन ए माइनस कॉस ए एंड सी लिखा है 1, 2 और इसका सेंट्रॉइड का लोकस पूछता है। तो हमने मान लिया इसका जो सेंट्रॉइड है जिसका वैल्यू जो है ऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स जो है वो h कॉमा k। तो करेंगे क्या कि हम इसका h और k की वैल्यू निकालने का, ठीक है, कैसे निकालोगे बच्चे, तो इन तीनों का जोड़ देना, cos a plus sin a plus 1 equals to h। इसका मतलब मैं यहां पे कर ही देता हूं, cos a plus sin a plus 1 whole by 3 which is equal to what, लिख देंगे। और ऐसे सिमिलरली साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 2 होल बाय 3 लिख देंगे, ये हो जाए। और आप देख सकते हो यहां से ये चला जाएगा, यहां से चला जाएगा, तो भी आप इधर राइट साइड भेज सकते हो मल्टीप्लाई करने के, और यहां से 1 को भेज दीजिए, यहां से 2 को भेज दीजिए, तो आपका वैल्यू कितना आएगा बच्चे, ये हो जाएगा cos a plus sin a equals to 3h minus 1 और ये बनेगा 3k minus 2। ओके,
This is your sin a minus cos s, a minus cos a. स्क्वायर करिए, ऐड करिए और साइन करा दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 एंड राइट साइड में आपका मिल जाएगा व्हाट बी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 1 + 1 दैट इज और इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे और थोड़ा फाइनल. तो आई होप कि बच्चे आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहा है. चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्योंकि एक बहुत ही आसान सवाल लिखा गया है. वो कुछ ऐसा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ए माइनस द कांस्टेंट टू अल्फा स्क्वायर. ठीक है, और अल्फा स्क्वायर ये लिखा है अल्फा स्क्वायर फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट. तो देखते हैं कैसे. The sum of squares of distances. मानेंगे एक जो moving point है जिसका locus है वो है. और यहाँ से दो point आप point की है जिसको हमने a कमा zero कह लेते हैं और एक दूसरा point सॉरी इसे आप a कह लीजिए और ये दूसरा point minus a कमा zero. Okay. इसके distance का square का summation अल्फा स्क्वायर आप को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. कैसे? तो इसका डिस्टेंस लगाते हैं पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू गिवन टू अल्फा स्क्वायर. यहाँ पे अल्फा क्या लिखा है बच्चे, एक कांस्टेंट बनाए, ठीक है ना. आप यहाँ पे अल्फा के लैम्डा कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है. तो इस तरीके से फाइनली आपको मिलता है पी ए स्क्वायर दैट इज नाउ h माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर दैट इज द h माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर दैट इज. ओके, अब देख सकते हो क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे. ओके, यहां पे h आना चाहिए. These are h minus a का होल स्क्वायर. तो फाइनली हम लिखना पाएंगे h square 2h square k square 2k square. Okay, minus 2ah plus 2 cancel and a square that is a 2a square plus 2 what alpha square. You can see the sum of squares of the distances of a moving equal to what the 2 alpha square. आपको finally PA square आपको मिल गया, PB इनका मिल गया जो कि alpha square के बराबर मैंने रखा. अब क्या करना है, h और k को हमको हटा देना है. चलो, और हटा करके x क्या पड़ता है, x square plus y square plus 2 alpha square minus a square आप लिख पाते हो. ठीक है बच्चे, तो I hope कि आपको ये है. आप इसे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. तो चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम होगा आइडेंटिटी द इक्वेशन ऑफ लोकस. अपने को लोकस के पर सर्कल बनाता है, स्टेप्स बनाता है, बनाता है हाइपरबोला या पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनाता है, सारे चीजों वाले हैं. अगले लिख